हाँ फिर कोई डर आते नहीं तो फिर मेरे जदीद तरीन ठर क्यों कैसे मैं उम्मीद है कि सारे ठीक होवोगे तो फिर आज की वीडियो तवा लावांगे पाकिस्तान की टॉपेस्ट बगैरती मतलब के टॉपेस्ट टिकटॉकर वैसे टिकटॉकर तो बगैरती गलत है कि क्योंकि इन्हें टिकटॉकर की ना तो कोई घर इज्जत होती तो बाहर से अगे इन्हों कुत्ते खानी हुई होती फिर इज्जत तो इन्होंने चवलों की अगे कोई नहीं है तो फिर आज अज रल के कुत्ती नवाने चांदनी चौंक के सब तो उच्चे चबारे से नचने वाली कंजरी ओ सॉरी टॉपेस्ट कंजरी की अपने तन मन जिगर फेफड़े गुर्दे सब चीजा तो मेहनत कर करके फेमस हो ही जाती है लाइक अगर कोई बच्ची गलती पैरिस टुर गई किसी चंगे जे होटल च रुकी फिर उसे जी पिक लई जाएगी कुछ इंज करके लई जाएगी फिर उसे पैरिस नु कोई भी नहीं वेखेगा हर बंदा पोज नु वेखे फिर ए हो ही नहीं सकता कि बच्ची पैरिस गई हो शो ही आना मारे ते जिनी देर तक अपना कुछ वहां ना लैन उन्नी देर तक इन्हों की खूबसूरती वधी नहीं है ये किधरे भी जान गया ट्रैवल करन गया ते इन्हां दा पोज कुछ इंज दा होएगा कि तुहानू साफ क्लीयरली सब कुछ दिसेगा अगर कोई बच्ची किसी जानवर दे नाल पिक लेगी तुहाडा उन्हूं वेख के सलामी देने दिल करेगा खाली कुत्ता ही नहीं बिल्ली भी वेख लो हुण इत्थे बंदा पुछे कि विआह किहड़ी थां सोन दी ते किहड़ा तरीका फोटो लैण दा हुण इत्थे असीं बिल्ली नूं वेखी आ बिल्ली दी मालकिन दा ग्राह अगर ये बच्चियां अपनी ब्यूटी वहानगियां ते अपनी ब्यूटी इंज वहानगियां ते नो पॉलिश लगी होगी इन्हां दीआं उंगलियां ते इन्हां दीआं उंगलियां होणगियां इन्हां दे समान ते फिर भाई साहब असीं आईफोन वालीआं बच्चियां नूं किवें भुल सकने आ आहा बहुत चंगा ना मैं ते फिर अगर ते बच्ची को ले आईफोन ते भाई साहब आईफोन दा लॉजिक ते ऐसा है कि आईफोन दा लोगो वहां नहीं वहां में शक्ल नजर आवे ना आवे पर आईफोन दा लोगो लाजमी नजर आना चाहिए क्योंकि उन्होंने पता होंगे कि उन्होंने बूथे नाल ज्यादा महंगा ते आईफोन दा लोगो अगर कोई भी बच्ची बह के सोशल मीडिया स्केच बना सब तो पहला तो इन्हों का एक वड्डा जे आर्ट नजर आए ठरकी बंद की नजर पेंटिंग ते जाए ना जाए उन्होंने आर्ट ते लाजमी जाए क्योंकि आर्ट ही होंगे जो बिना बोले दस दिता कि मैं की चीज भाई इन्होंने आर्ट के हजारों आशिक होंगे ने हजारों क्रश भी बनते हैं अपना तन मन ते जिगर ऐसा निखार दें कहें बस पोस्ट करते हैं सारा वायरल हो जाए बाकी खैर छोड़ो पर बाकी अगर यह छिपकलियां एक डिटेल च वीडियो चाहिए फिर दस दे कमेंट करके ते बस बना देंगे ते फिर हम असि आने अपनी आज दी सेलेब्रिटी टट्टी ते जन्नत पापड़ा वेचन वाली तुम ये रोस्टिंग नहीं कर सकते क्यों भाई क्या हो गया एक लड़की फिटिंग लिबास पहनने वाली दुपट्टा है किस चीज का नाम है उसे पता ही नहीं सुबह शाम मोबाइल कैमरा म्यूजिक डांस बले बले रात जवा है तू भी जवा है मैं भी जवा हूँ मौसम सही है और नाम जन्नत मिर्जा ये तो सरासर अन्याय है मिलॉर्ड अरे कहना क्या चाहते हो तुम ऐसे ही इसे रोस्ट नहीं कर सकते तो? नाम चेंज करो और ख्याल रहे कि नंबर वन टिकटॉकर है 10 मिलियन फॉलोवर्स तो स्पेशल रोस्ट विद चीज अच्छा बस इन्हें ना नाम बदलना कोई मसला ही नहीं बाबा जी मैं अगे इस बांदरी जी का सही नाम लेना ही नहीं चाहता क्योंकि ना तो जन्नत है पर जिवें दी हरकत ने दोजक पाकिस्तान से सब से ज्यादा ठरकी ये नहीं लैके जाने जे दोजक फैनां नूं सजा दे तौर ते ऐ सुनाया जाना फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा गाना सुनने तो बाद ठरकियां दा ऐ रिएक्शन होएगा मेरा बीपी लो गया भैन चो भैजो मे मैनू टट्टी नहीं आ रही तेन देख के भैजो वाशरूम के बीच गया तेरी वीडियो प्ले की भैन चो उ मेरी टट्टी रुक गई अच्छा यार हम छोड़ो सारी बगैरतियां तो ना की रखी फिर असं ना रखने तो फिर असं यार ना रखने मोहतरमा फूसी मिर्जा मिर्जा तो ये फैसलाबाद में जो
बिजली आई है ये मेरे परदादा की वजह से आई है। हां तेरा परदादा जनरेटर सी ना, तो उन्हें ने कहना कि जो मेरा चढ़ दादा जेड़ा सी वो पूरा बिजली दा खंभा। नहीं यार बंदा छड़न लगया, कुछ सोच लेवे कि मैं किड्डी वड्डी छड़न दे यार, इन टट्टी टोकरा नु कुछ पता नहीं है कि असि किथे ते की बोल रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं। जो इन्हां दे मुंह चंदा बस बक दे। नहीं फिर ऐसा हिसाब नाल ते जेड़ी पाकिस्तान दी टॉप टिकटॉकर है ना जन्नत मिर्ज़ा, वो मेरे दादे दी वजह तो इस दुनिया ते आई है। हाँ ना यार ब्लेंडर ही छड़ना जिड्डा मर्जी वड्डा छाड़ दो, इत्थे केड़ा को पूछण वाला है। अयूब खान, हाँ जी एयरपोर्ट पे अयूब खान थे तो जो मेरे परदादा ने उनका हाथ पकड़ा, 8 घंटे बिजली आती थी फैसलाबाद में। अच्छा तो हाथ पकड़ के कहते बिजली नहीं आती बहन। अच्छा यह जी बच्चियां दी जो वीडियो कोई ठरकी वेख देना तो उदा रिएक्ट बिल्कुल ऐंदा हुंदा जे ओए सेक्सी सेक्सी कुड़ियां आए पट वहांदियां ने अपना लक वहांदियां ने लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। इना बच्चियां जिन्ने भी फॉलोअर हुंदे ने सारे ऐंदे ठरकी ही हुंदे जी, जेड़े ध्यान च वीडियो वेख वेख के अपने अंदर दी गर्मी नूं ठंडिया करदे रहंदे ने। जी इहो जिहे ठरकियां नूं मेरा बस इक्को ही मशवरा है कि बचो, जिन्ना हो सकदा उन्ना बचो, ते तुहाडा वी ओह मनारे पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाणा, ते कुत्तियां च गिने जाओ ओह वी पूरे 400 ना घट ते ना वाध। मैनूं समझ नहीं कि बंदे गिने नाल बंदा केड़ा, ओह कदी मैनूं लब्भ जे ना मैं ओहदे कोल टिकटॉक ते खुसरे गिनवां, इक्को नज़र दे विच उहने दस देना कि भाई इन्ने खुसरे, ओहदी भाई बंदे गिनन दी स्पीड ही बहुत ज़्यादा है। लो जी है जी इन्हों का कंटेंट तो टैलेंट। अच्छा इस वीडियो के थले ना 99.9% बंदे ना ठरकना भरी कमेंट की, मैंने एक गलती नहीं समझ आती कि टट्टी टोकर यहोजियां यकियां पोस्ट ही क्यों कर, बाकी वो भी बेचारे की करन जिनी देर तक वो चुत्यापा ना मार रहे हैं कोई वीडियो वायरल ही नहीं हुंदी, टट्टी टोक दे उत्ते बस यकी ते बगैरती ही वायरल हुंदी। मैंने तो लगता टिकटॉक बनया ही बस ठरकियां की अग ठंडी करने वास्ते, पिछले करके मैडम साहब यूट्यूब बारे कुछ फरमा रही थी। एक बात सोच रही थी। अच्छा मतलब कि तू सोच नहीं हुई है, मैंने तो यह बस तू टिकटॉक दे उत्ते यकियां ही मारनी है, टिकटॉक बैन है ओके, और उसे दोबारा अनबैन कर दिया जाता है, देन अगेन बैन कर दिया जाता है, देन अगेन अनबैन कर दिया जाता है, बट क्या ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का? नो अगर आप लोग फहाशी की बात करते हैं तो यूट्यूब पे जो मर्जी लिखो आ जाता है ओके, और आप वहाँ पे ऐसी वीडियोस देखते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो बाबा जी, बहुत पहुंची हुई चीज है। मेरे हिसाब ना तेने यूट्यूब दे उत्ते बहुत बहुत गंदियां सर्चा मारियां है, ता ही तेनू पता है जो भी लिखो सब कुछ आ जांदा। इस चीज दे बारे च मैनू भी कोई नहीं पता, मैं भैन चो वीपीएन डाउनलोड कर करके ते वेबसाइट ना ओपन करदा रहा, काकी तू एडी पटाकी ना बन ठीक है ना। रही गल टट्टीटॉक नू बैन करन दी, ते मैं ना पाकिस्तान दे विच इस तो चंगा काम अज तक होया ही कोई, बाकी यूट्यूब दे उत्ते जिन्नियां मर्जी घटिया ते लथियां वीडियो लभ जांदियां ने, बाकी जो टिकटॉक है वो टिकटॉक, ते यूट्यूब कदी भी टिकटॉक दा मुकाबला नहीं कर सकदी बगैर शूश के जी। चलो मान लेने कि यूट्यूब ते गंद है, बाकी यूट्यूब ते बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, बहुत कुछ सीखने भी है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट भी है। यूट्यूब दे उत्ते एक बड़ा कमाल चैनल भी सी कि उहदा नाम सी हाँ आकाश किंग रोज 2.0, एडी कमाल वीडियो बनांदा, जाके विजिट करो नाले सब्सक्राइब लाजमी करे जे। वल्गैरिटी को आम कर रहे हो। हाँ जी स्किन रिवील नहीं होती, बाकी भावे अंदर दे गुर्दे तक रिवील हो। टिकटॉक दे ते वर्गैलिटी आम नहीं करनी बल्कि बगैरती आम करनी है, कि वो उनका उनकी रूल्स और रेगुलेशंस में ऐड नहीं है। इवन के हम जब कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो पहले 5-6 मिनट एक रिव्यू से गुजरती है, देन वो अपलोड होके लोगों के सामने आती है। तो अगर टिकटॉक से फहाशी आम हो रही है तो क्यों ना हम YouTube को भी बैन कर दें? क्यों YouTube वाला की तेरी बाजी छेड़ी, या YouTube वाले तुम्हारे घर आके तुम्हें कहते हैं कि TikTok पे जाके तुम मुजरे करो? वहाँ पे डांसेस होते हैं, अवार्ड शोज होते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैं बस अपने थॉट्स शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ कि अगर टिकटॉक से फहाशी वाकई आम हो रही है तो यूट्यूब से क्या नहीं हो रही? नहीं और बेबी यूट्यूब तो पता नहीं कोई फहाशी आम हो रही है या नहीं हो रही, बाकी टिकटॉक तो बंदा बस ज्यादा से ज्यादा ऐ ही उम्मीद रखते क्या YouTube पे सर्च करके वीडियोस देखना क्या वो ठीक है? नहीं,
क्या गूगल पे वीपीएन ऑन करके वीडियोस देखना क्या वो ठीक है? नहीं, और जूस वाले डब्बे नु आखरी कतरे तक चूसने वाली चूस नहीं है जी। सब तो पहला तू मेनू ए दस के यूट्यूब वाले ते गूगल वाले की तुम्हारे घर आके तुम्हें कहते हैं कि तुम यहोजी सर्चा करो, गंद वेखो नहीं तो अभी आके तुम दंदियां वढ़निया। नहीं वढ़दा ही की यार, चलो मान लिया कि यूट्यूब देते गंद भी है, पर यूट्यूब देते यह भी ऑप्शन है कि तुम अपनी मर्जी के नाल वीडियो सिलेक्ट करके तो वेख सकते हो। टिकटॉक देते तो यहोजा कोई सीन ही नहीं है, उधर जेड़ा भी टिकटॉक वाले तुम्हें गंद वहाना है तुम्हें वेख नहीं। मैडम साहब ने सारा साड़ फूकिया क्योंकि जी टिकटॉक बैन, टिकटॉक बैन होने की वजह तो बेचारे टिकटॉकरां दा ते कारोबार ही बैन हो गया, उन्होंने मुजरा करने वाले कोठे भी वीरान हो गए। मैं सुनया कि एलेक्स चक्की ने भी दोबारा अपना पुराने वाला कारोबार फिर शुरू कर दिया, ओही गटर साफ करने वाला। तो फिर बस यारो अज लिए फिर बस इन्ना ही, बाकी जे फिर वीडियो की चाह चाहिए तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, उंगली नाल करो तो भावे अंगूठे नाल करो तो भावे छनकने नाल करो, मैंने नहीं पता बस लाइक हो जाना चाहिए। तो कमेंट करके लाजमी दसो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में इन्ना को शेयर करो कि चांदनी चौक के सब तो उच्चे चबारे तक पहुंचे। फिर मैं मिलांगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किसी नवी यकी के नाल।